चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के। वीडियो को देख लिया आपने, ये अध्यापक है, महाजातिवादी है, घोर जातिवादी है, और अध्यापक बच्चों को शिक्षा क्या देता होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आगे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा अन अकेडमी में पढ़ाने वाले करण सांगवान की नौकरी चली गई, फिर इसके बाद क्या हुआ, तमाम लोग एकजुट हो गए, करण सांगवान के पक्ष में माहौल बनाने लगे और कहने लगे अन अकेडमी को अनइंस्टॉल कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये जो टीचर है इसको तो अलग जगाना था साहब, लेकिन ये दलितों को बहुजनों को खुलेआम गाली दे रहा है, कह रहा है कि भगवान ने ना जाने कैसे मुझे टीचर बना दिया, मुझे तो डैश 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 भगवान बना देता तो मैं किसी चौक चौराहे पर बैठ करके बूट पॉलिश करता। तुमको अगर बूट पॉलिश करने का इतना ही शौक है ना, तो चले जाओ चौक चौराहों पर और वहां पर जाकर के तुम बूट पॉलिश करो, और अगर तुमको कोई बूट पॉलिश करने से रोक रहा है तो तुम मुझे फोन लगाओ, मैं तुमको जगह बताऊंगा, सारा सामान मैं तुमको मुहैया करवाऊंगा। एक घोर जातिवादी हैं। आप सोचिए बच्चों को ये लोग पढ़ाते क्या होंगे। सुमित चौहान ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा मुझे डैश 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 बना देते, आप पढ़ सकते हैं क्या कुछ लिखा है सुमित चौहान ने। मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पर बैठ के। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो है जिसमें फिजिक्स वाला के नाम से ऑनलाइन क्लास में एक टीचर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके एक जाति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिजिक्स वाला का मालिक अलक पांडे है, ये बेहद गंभीर मामला है। ऐसे समर टीचर शिक्षा के नाम पर कुछ जातियों को सरेआम नीच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने गुजारिश किया है मामले को संज्ञान में लिया जाए, वीडियो की जांच कराई जाए और आरोपी टीचर पर एससी एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। आप सोचिए कि कितने घोर जातिवादी लोग हैं। जैकी यादव लिखते हैं ये फिजिक्स वाला में टीचर मनीष राज है, फिजिक्स वाला का संस्थापक अलक पांडे है। इस मनीष राज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बता रहा है कि टीचर बनने से इसकी जिंदगी खराब हो गई है, इससे बढ़िया इसे भगवान डैश 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 बना देते हैं, इसने पूरे दलित और पिछड़े समाज को गाली दी है। अभी आपको याद होगा पंडोखर बाबा ने किस तरीके से नाई समाज को बहुजन समाज को गाली देने की कोशिश की, एक व्यक्ति को मुर्गा बनाने की कोशिश की, नाई समाज के व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश की और कहा था मैं ब्राह्मण हूँ तुम नाई हो तुम नीच हो, मैं ब्राह्मण हूँ मैं ऊंच हूँ, और क्या हुआ, वीडियो वायरल हुआ, दबाव लगातार बनता गया और बाबा पंडोखर ने 7 मिनट के वीडियो में 7 बार माफी मांगी है कि ये जो फिजिक्स वाला है दरअसल इसके संस्थापक अलक पांडे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अलक पांडे जात से ब्राह्मण हैं, सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, और उन्होंने अपने यहाँ ऐसे अध्यापकों को रखा है जो एक जात को खुलेआम गाली देते हैं। अगर आपको पढ़ाना साहब तो आप पढ़ाइए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का टीचर कैसे जातियों को टारगेट कर रहा है। मैंने भी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि साहब क्या ये सारी चीज़ें सिलेबस में हैं? बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको इनके सरनेम से पहचानना होगा और इनका जो सरनेम होगा टाइटल होगा उसके बारे में आप सबको पता है, और ये लोग लगातार जम करके गाली दे रहे हैं। और अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल यही है कि ये जो टीचर है, ये टीचर जो है गाली दे रहा है,
तो इसके खिलाफ लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, खासकर एक समाज विरोध क्यों नहीं कर रहा है? आपने देखा जब अन अकेडमी पढ़ाने वाले अध्यापक करण सांगवान की नौकरी चली गई तो सब ने जम करके विरोध किया और सब ने कहा अलोकतांत्रिक है, यानी इस तरीके से किसी की नौकरी नहीं छीनी जानी चाहिए। अब आप देखिए साक्षी ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा अन अकेडमी संस्थान ने अध्यापक करण सांगवान को निकाला, सब ने विरोध किया। अब फिजिक्स वाला संस्थान के अध्यापक द्वारा दलितों का अपमान करते वीडियो वायरल हो रहा है, पर ट्विटर के सारे लिबरल चुप हैं। ऐसा क्यों? अब जातिवाद नजर नहीं आ रहा? सोशल मीडिया के क्रांतिकारियों अब अनइंस्टॉल या बायकॉट के हैशटैग क्यों नहीं चला रहे हो? तुम्हारी क्रांति भी तुम्हारी तरह ही सेलेक्टिव निकली, साक्षी ने साफ तौर पर ये लिखा। साक्षी के नाम से एक ट्विटर हैंडल है और तमाम लोग अब लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो तमाम सोशल मीडिया यूजर हैं जिनका सरनेम कुछ और है, खासकर आप समझ रहे होंगे कि उनके सरनेम में सिंह लिखा हुआ है, उनके सरनेम में पांडे लिखा हुआ है, उनके सरनेम मिश्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है, ये लोग इसका जम करके विरोध नहीं कर रहे हैं। और सच तो सच होता है साहब, सच छिपाने से नहीं छिपता। आप कितने भी बनिए प्रोग्रेसिव सोच के लोग, लेकिन जब आपकी ही जात के लोग गलत काम करते हैं, खासकर अगड़ी जात के लोग गलत काम करते हैं या बहुजन समाज को गाली देने का काम करते हैं, तो ये लोग खामोश हो जाते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है, ऐसा लगता है इनको रतौंधी हो गई है। और इन लोगों को ये सारी घटनाएं दिखाई नहीं देती, ये सब लोग खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो की जांच करवाई जानी चाहिए, और अगर वीडियो सही निकलता है तो आरोपी टीचर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, एससी एसटी की गंभीर धाराओं के तहत इस आरोपी टीचर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।